अपने जहनी सुकून के लिए तीन चीजें मुख्तसर रखें, अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। अगर ये तीनों चीजें आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, तो इसलिए खुश रहने की कोशिश किया करें। मैं बना रही हूँ माश की दाल और आज हमने रोटी पहले मंगवा ली है और अभी खाना हमारा बना नहीं। तंदूर वाला हमारा 2 बजे के बाद रोटी देने नहीं आता, तो इसलिए फिर हमें रोटी जल्दी मंगवा के रखनी पड़ती है। आज तो वो 1 बजे दे के चला गया है, हालांकि मैं उसे कहती हूँ कि हमें रोटी जब आप बिल्कुल क्लोजिंग टाइम हो ना तो फिर आप रोटी दे के जाया करें। तो अभी जी मैं बनाने लगी हूँ ये साथ लस्सी। तो सिस्टर ने पूछा कि लस्सी आप कैसे बनाती हैं, तो मुझे ना पतली लस्सी अच्छी लगती है। अगर 1 गिलास लस्सी मैं डालूँ ना तो उसमें फिर मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं लस्सी, और मैं नमक वाली लस्सी पीती हूँ, मीठी लस्सी नहीं मुझे पसंद, बच्चे भी मेरे नमक वाली लस्सी पीते हैं। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, साथ नमक डाल दिया, तो मिक्स कर लिया। इसका कोई ऐसी मुश्किल इसका बनाने का तरीका नहीं है। और उसके बाद जी इसमें ये फिर आइस क्यूब डालती हूँ। ये आइस क्यूब बहुत पुरानी है, इनके बारे में आप काफ़ी अभी तक मेरी सिस्टर पूछती हैं। तो ये प्लास्टिक की बनी होती हैं, इनके अंदर पानी होता है, पानी निकालना और भरना नहीं होता। ये ऐसे पानी से भरी हुई बाजार से आपको मिल जाती हैं, ये होती प्लास्टिक की हैं। तो बस आप जैसे मैंने ये लस्सी के अंदर डाल दी हैं तो लस्सी को ये ठंडा कर देंगी और इनके अंदर जो पानी होगा ना वो घुल जाएगा, लेकिन रहेगा इन प्लास्टिक क्यूब्स के अंदर ही, बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके बाद जी दोबारा इनको बस वॉश करना है, भरना नहीं है, तो फिर फ्रीजर में रख देना, फिर जम जाएगी तो फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो माश की दाल जी मेरी रेडी हो गई है, तो बच्चों को भूख लग गया है, थोड़ी लेट ही मैंने बनाना शुरू किया है। और माश की दाल के साथ अचार भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो ज़रूर खाती हूँ, अर्शी और मैं ही खाते हैं तो बच्चे नहीं खाते। तो साथ ये मेरी लस्सी, और लस्सी मुझे ना स्टील के मग और इस बाल्टी में बनानी अच्छी लगती है, जग में नहीं। लस्सी का जो एक लुक आती है ना सही देसी स्टाइल, वो ऐसे स्टील का मग और जैसे मिट्टी के बर्तनों में होती है ना, तो इसलिए फिर मैं उसके लिए ये बकेट ही यूज़ करती हूँ।